दो अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती है वह 111 किलोमीटर होती है, और दो अक्षांशों की बीच की दूरी को, जैसे यह दो अक्षांश है, इन दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है। यानी कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है जोन निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, तो दो अक्षांशों की बीच की दूरी को जोन कहा जाता है। इसके बाद से हम चलते हैं इस पॉइंट पे, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है, और दो देशांतर रेखाओं की मध्य की जो दूरी होती है वह होती है 111.32 किलोमीटर। यहाँ पर हम लोग देखे थे कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी वह कितनी होती है, 111 किलोमीटर, लेकिन दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर होती है। अर्थात और इस दोनों देशांतर रेखाओं की जो मध्य की जो दूरी है उस मध्य की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। वहां पर अक्षांश रेखाओं में हम लोग देखे थे कि दो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी है उस दूरी को जोन के नाम से जानते हैं, लेकिन दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी को गोरे के नाम से जानते हैं, और इनके मध्य की यानी बीच की जो दूरी होती है वह 111.32 किलोमीटर होती है। फिर इसमें एक और चीज है, यह देशांतर रेखाएं ध्रुवों से जब विषुवत रेखा की ओर चलती है, ध्रुवों से चाहे वो उत्तरी ध्रुव से चले चाहे वो दक्षिणी ध्रुव से चले, जब ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती है देशांतर रेखाएं, तो इनका मान बढ़ता जाता है। यानी देशांतर रेखाएं जब ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती है तो इनका मान बढ़ता जाता है, मान अधिक होता जाता है। उसके बाद से जीरो अंश का जो विषुवत रेखा है या जीरो अंश का देशांतर रेखा, जहां पर यह दोनों एक दूसरे को काटते हैं, क्रॉस करते हैं, तो पूछा जाता है जीरो अंश का देशांतर रेखा और जीरो अंश का विषुवत रेखा कहां पर एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में जीरो अंश की देशांतर रेखा और जीरो अंश की विषुवत रेखा दोनों एक दूसरे को मिलती है या प्रतिच्छेदित करती है। उसके बाद से एक और इसमें पॉइंट है कि जीरो अंश की देशांतर रेखा को या जीरो अंश की जो देशांतर रेखा है वह कहां से गुजरती है, यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जीरो अंश का देशांतर जो रेखा है वह ग्रीन बीच वेधशाला से होकर गुजरती है। जीरो अंश की जो भी देशांतर रेखाएं हैं वह ग्रीन बीच वेधशाला से होकर गुजरती है। तो ये था देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाओं के बारे में। अब इसमें जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, या किसको उत्तरी ध्रुव कहेंगे और किसको दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, तो विषुवत रेखा से जो विषुवत रेखा है जीरो अंश की अक्षांश रेखा उसको विषुवत रेखा कहते हैं, जो केंद्र से होकर जाती है। विषुवत रेखा के उत्तर गोलार्ध में स्थित जो ध्रुव होता है उसको उत्तरी ध्रुव, और विषुवत रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में जो ध्रुव उपस्थित होता है स्थित, उसको दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है।